टॉपिक है फ्लूइड एनर्जी मिल की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेड क्वेश्चन है कई साल का। तो फ्लूइड एनर्जी मिल कैसे काम करता है, आपको फ्लूइड से क्या लग रहा है? फ्लूइड मतलब तरल, तरल मतलब दो चीज, तरल होता है एक गैस एक लिक्विड, उसको तरल बोलते हैं, जो बहे उसको फ्लूइड बोलते हैं। हवा बहती है, पानी बहता है, तरल है। और एनर्जी मतलब कोई ताकत लगानी पड़ रही है। देखो ये क्या है, इसका काम देखा जाए तो उसमें इसका बेसिकली जो प्रिंसिपल है, पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल, ये होता है वही जो अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इंपैक्ट एंड एक्रीशन, यानी इसमें धक्का भी होगा और रगड़ भी होगा। इंपैक्ट एंड एक्रीशन, प्रिंसिपल क्या हो गया, इंपैक्ट और एक्रीशन। अगर हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, बात करें इसके हम कंस्ट्रक्शन की, तो किससे किससे मिलकर बना है? एक इसका पाइप होता है, कोई मोटी सी पाइप होती है, उस पाइप का ये पूरा एक चैम्बर होता है, आपको देखना है पाइप का चैम्बर होता है, जिसकी लंबाई लगभग 20 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 20 मीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच से लेकर करीब 20 इंच तक आसपास हो सकती है, यानी इतना मोटा नहीं, इतना मोटा भी ये हो सकता है, ये बकायदे इसकी मोटाई है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हमारा इनलेट लगा हुआ, ये हमारा इनलेट होता है जहां से हम कोई मटेरियल डालते हैं, ये हमारा आउटलेट होता है जहां मटेरियल बाहर निकलता है, ये रिसीवर होता है जहां से ये चीज इकट्ठा होता है, और ये एयर इनलेट होता है जहां से हम हवा सप्लाई करते हैं, तेज हवा सप्लाई करते हैं, जो हवा इसके अंदर ब्लो करता है जाता है। कंस्ट्रक्शन फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनलेट है, आउटलेट है, पाइप है मोटी सी, इसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 2 से लेकर 20 मीटर है, और इनलेट बेस्ट कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या इसके पार्ट हो गए, क्लियर? अब हम बात करेंगे वर्किंग, ये कैसे काम करता है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। इसकी वर्किंग बेसिकली क्या है कि इस यहाँ पे हम इनलेट के द्वारा, हॉपर द्वारा, जिस ड्रग को हमको तोड़ना है, सही दर्शन करना है, उसको इसके अंदर भर देते हैं। जब ये भरेंगे तो घूम के आगे गिर यहाँ जाएगा, और यहाँ से एयर इनलेट से हम तेज हवा प्रवाहित करते हैं, तो खूब तेज हवा प्रवाहित करते हैं तो ये पार्टिकल उड़ेगा। भाई जब पार्टिकल इसके ऊपर रखे, चना रख दो, मटर रख दो, मूंगफली रख दो, और नीचे हवा दे, उड़ेगा धीरे धीरे, तो नीचे से ये उड़ता है और इतनी तेज हवा देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, हवा देते हैं, तो ये उड़ते उड़ते पूरा राउंड 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 ऐसे घूमने लगता है। क्या करने लगता है? घूमने लगता है, और घूमते घूमते आपस टकराएगा, भाई आपस से टकराएगा, पाइप से टकराएगा, करते करते वो चूर चूर होगा, टूटेगा, और पार्टिकल का जो साइज है वो रिड्यूस होने लगता है, वो चूर होने लगता है, टूटने लगता है, और धीरे धीरे यहाँ पे सिव लगा होगा, सिव मतलब स्क्रीन, जो पार्टिकल छोटा हो जाता है वो यहाँ से आके इसमें इकट्ठा होगा, और जो पार्टिकल बड़ा ही रहता है वो लगातार इसमें घूमता रहता है, तब तक घूमता रहता है जब तक वो छोटा ना हुआ। बस यही हमारा है सिंपल सा फ्लूइड एनर्जी वर्किंग, ठीक है? बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज वही सब है जो आप पहले जानते हैं, ज्यादा एनर्जी नहीं लगता, पार्टिकल साइज छोटा हो जाता है, कई प्रकार के पार्टिकल इसको यूज कर सकते हैं, यही सब इसको एनर्जी थोड़ा है, यही सब थोड़ा जरूरत होती है, ठीक है? ये हो गया हमारा, बस सिंपल सा है फ्लूइड एनर्जी में, इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है? अगर आपको इसका नोट चाहिए होगा पीडीएफ में, पूरे पूरे चैप्टर का, जितनी फार्मेसी चैप्टर है, फार्मेसी, तो पीडीएफ नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर।